होली के मौके पर अक्षय कुमार ने बॉक्स ऑफिस पर 2019 की धमाकेदार शुरुआत की है। केसरी इस साल रिलीज होने वाली अक्षय कुमार की पहली फिल्म है। इसे होली के दिन यानी 21 मार्च को ही रिलीज किया गया था। पहले दो दिनों में फिल्म ने शानदार कमाई की है। ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श के मुताबिक अक्षय कुमार की केसरी ने पहले दिन करीब 21.50 करोड़ रुपए की कमाई की। केसरी ने दो दिन में 38 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। पहले दो दिनों में कमाई के ट्रेंड को लेकर कहा जा सकता है कि केसरी आगे भी कमाई के कई रिकॉर्ड बनाए। केसरी फिल्म पहले ही दिन 21.50 करोड़ रुपए की कमाई करके फर्स्ट डे कलेक्शन के साथ ये फिल्म 2019 की बिगेस्ट ओपनर फिल्म बन गई। पहले दिन की कमाई के मामले में इस फिल्म ने गली बॉय, टोटल धमाल और कैप्टन मार्वल को पीछे छोड़ दिया। बता दें कि इससे पहले साल का ये रिकॉर्ड गली बॉय और टोटल धमाल के नाम दर्ज था। ओपनिंग डे में गली बॉय ने 19.40 करोड़, टोटल धमाल ने 16.50 करोड़ और कैप्टन मार्वल ने 13.1 करोड़ की कमाई की थी। केसरी ने लगातार दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ कमाई कर डाली है। फिल्म ने रिलीज के दूसरे दिन 17 करोड़ की कमाई कर डाली है। कुल मिलाकर केसरी ने दो दिन में 38 करोड़ की कमाई की। फिल्म की कमाई को देख अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म अपने पहले वीकेंड यानी शनिवार और रविवार को और ज्यादा कमाई करेगी। केसरी को दुनिया भर में 4200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। भारत में केसरी को 3600 स्क्रीन मिली है। फिल्म में अक्षय कुमार के अपोजिट परिणीति चोपड़ा है। इसे 4 हफ्तों का वीकेंड मिलेगा। शायद ये फिल्म पहले वीकेंड में ही 100 करोड़ कमाई का आंकड़ा छू ले। अक्षय कुमार की फिल्म केसरी देश के सभी हिस्सों में जबरदस्त कमाई कर रही है। लोगों को फिल्म इतनी पसंद आ रही है कि उन्होंने पहले से ही एडवांस बुकिंग कर ली है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है। अक्षय कुमार ने जबरदस्त एक्शन से दर्शकों का दिल जीत लिया है। होली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म केसरी को वर्ड ऑफ माउथ से भी खूब प्रमोशन मिल रहा है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई देख लग रहा है कि फिल्म जल्द ही अपना बजट भी निकाल लेगी। तो कुल मिलाकर अक्षय कुमार की फिल्म केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल कर दिया है।